नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने प्रेस्टिक का इंडक्शन कुकर है जो टोटल डेड है। आप देखिए, मैं स्विच बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये शॉर्ट है, अंदर से शॉर्ट है। इसके लिए इसका बल्ब ऑन हो जा रहा है, बल्ब ग्लो करने लग रहा है। इसका मतलब ये अंदर से शॉर्टिंग है इसका। इसको हम ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन कर रहे हैं, तब तक लिए वीडियो में बने रहें आप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इंडक्शन कुकर को ओपन करके इसका सर्किट बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैंने सीरीज बोर्ड से लगाया, बल्ब जलने लगा। आज हम आपको इसका शॉर्टकट टेस्टिंग बताएंगे कि इसका पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है कि IGBT शॉर्ट है। तो इसके लिए कॉइल का एक लेग ओपन कर दीजिए आप, इस कॉइल के एक लेग ओपन कर दीजिए। एक वायर मैंने ओपन कर दिया। अब इसको हम बोर्ड से लगाएंगे। अगर बोर्ड से लगाएंगे, बीप की आवाज़ आएगी, बजर की आवाज़ आएगी, तो मान लीजिए आपका पावर सप्लाई सेक्शन और आपका रेक्टिफायर ओके है। तो ये देखिए, बीप की आवाज़ आई, तो इसका मतलब मेरा पावर सप्लाई सेक्शन ओके है। देखिए, मैंने इसको लगाया, शॉर्टिंग आ गया। देखिए, इसको हटा दिया, बीप आया। इसको लगाया, शॉर्टिंग आ गया। इसको हटाया, बीप आया। तो इससे 100% हमको, या 99% कि आप 100% बोल सकते हैं कि मेरा IGBT ही शॉर्ट है। और इसके अलावा आपका पावर सप्लाई सेक्शन ओके है और आपका रेक्टिफायर डायोड भी ओके है। तो अब हम इस IGBT को बाहर निकाल रहे हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहें। हम बाहर निकाल लेते हैं इस IGBT को। नट को ओपन कर दे रहे हैं, करके बाहर निकाल के इसका टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर के जरिए। ये देखिए, बाहर निकल गया। इसका नंबर आप देख सकते हैं, 251120। इसको चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं। मल्टीमीटर को ओम्स के रेंज पे रख के 0 पे सेट कर लिया। अब इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये IGBT फुल पूरा का पूरा शॉर्ट है। आप देख सकते हैं, पूरा शॉर्ट है। अब इसके जगह पे हम नया नया IGBT लगाएंगे, मॉस्फेट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये वाला लगाएंगे, 251, जो सेम नंबर का। कभी भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए, एक बात जरूर ध्यान दीजिए, IGBT बार बार जाने का एक कारण है, सेम नंबर का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये चेक कर लीजिए, देखिए मेरा ओके है। 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा ओके है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। मॉस्फेट के को लगाने से पहले इसको अच्छे से थिनर से या पेट्रोल के जरिए आप अच्छे से खूब बढ़िया से इसको साफ कर लें। IGBT का जाने का कारण ये भी हो सकता है, साफ कर दें अच्छे से, खूब बढ़िया से उसको साफ कर लें। साफ करके तब लगाएं। तो ये देखिए, मेरा अच्छे से साफ हो गया।
थोड़ा ट्रैक कट हो गया है इसके लिए। अब इसको हम लगाएंगे। लगाने से पहले हीट सिंक पेस्ट लगाना ना भूले दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। IGBT बार बार जाता है, फर्स्ट सेम नंबर का होना चाहिए। दूसरा, लगाने से पहले हीट सिंक पेस्ट अच्छे से लगाएं, और अच्छे क्वालिटी का हीट सिंक पेस्ट, और उसको अच्छे से टाइट करें पेच से। और शोल्डिंग करते समय मोटा शोल्डर यूज करें इसके लेग को, तीनों लोग को मोटा वाला शोल्डर वायर यूज करें, जिससे आपका IGBT बार बार जाने का चांस कम रहेगा। कम क्या है, एकदम कम रहेगा। तो अब इसको हम लगा रहे हैं। ध्यान रखें तीनों पाँव उस बॉडी में टच ना हो। उसके लिए प्रोटेक्शन दिया है, तीन देखिए तीनों लोग लेग में वो काले रंग का उसके अंदर बैंड पहना हुआ है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। इसको खूब अच्छे से एकदम टाइट कर लें, थोड़ा सा भी लूज ना रहे, क्योंकि वो बहुत हीट होता है। इसके लिए एकदम अच्छे से टाइट कर लें। तो ये मेरा टाइट हो गया। अब इसके तीनों लोग लेग को शोल्डर करेंगे। और मैंने बताया जैसे आपको कि शोल्डर करते वक्त मोटा शोल्डर यूज करें, ना कि पतला शोल्डर, क्योंकि यहाँ ये स्थान बहुत ज़्यादा गर्म होता है। थोड़ा सा भी ड्राई शोल्डर होगा तो मॉस्पिट जाने का चांस। ये वाला यूज ना करें बिल्कुल, ये वाला यूज करें मोटा शोल्डर। और अच्छे से शोल्डर भर दें, कंजूसी एकदम ना करें, क्योंकि बार बार कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक दो बार मान लीजिए आपने बनाया फिर दोबारा ख़राब हो गया, तो आपका कस्टमर छूटने का ज़्यादा चांस रहेगा। और रेक्टिफायर को भी इसी और रेक्टिफायर मतलब जहाँ भी आप देखिए कि आपको लग रहा है ड्राई शोल्डर, वहाँ पे रंगा भर दीजिए। और टीनो ट्रांजिस्टर पे ज़्यादा करके 80-85 नंबर का होता है वो, उस पर ज़्यादा करके, क्योंकि वो उसके गेट को इनेबल करता है, मॉस्फेट या IGBT को इनेबल का आप काम करता है ये। ये भी अगर ड्राई शोल्डर रहेगा तो मॉस्फेट जाने का 100% चांस। तो दोस्तों आपको जहाँ भी लगे कि ड्राई शोल्डर है वहाँ पे रंगा भरने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, वहाँ पे शोल्डर ज़रूर कर दें, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होगा, एक ही इंडक्शन बार बार ख़राब होगा, कस्टमर भी पागल हो जाएगा बेचारा कि क्या बनाता है, आपको बुरा भला कहेगा। इससे बढ़िया काम अच्छा करें, कस्टमर भी बना बना रहेगा आपका। और मॉस्फेट या IGBT लगाते समय सेम नंबर का बिल्कुल ध्यान दें, नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं रहेगा तो बार बार हो जाएगा आपका।
तो इसका मैं शोल्डर देखे मुझे बहुत लग रहा है, इसका ड्रेस वगैरह तो मैं हर जगह भर दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मोटे ही वायर से हर जगह भरे। IGBT और रेक्टिफायर कैपेसिटर, ये तीनों जहाँ तक कि मोटे शोल्डर से सोल्ड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऊपर से देखिए पेस्ट लग गया, उसको हटा दे रहे हैं, शॉर्टिंग होने का चांस रहेगा। तो आप ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लगा ड्राई शोल्डर वहाँ वहाँ मैंने सोल्ड कर दिया है। अब कॉइल के वायर को लगा देंगे हम, उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ये भी लूज ना रहे। इसको अच्छे से मैंने टाइट कर दिया। अब इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं हम कि मेरा शॉर्टिंग चला गया कि अभी भी कुछ शॉर्टिंग है। सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे, लगा रहे हैं, पावर दे रहे हैं, देखिए बर्जर बीप करने लगा, इसका मतलब मेरा बोर्ड ओके है। अब इसको हम पूरा पैक करके पानी गर्म करके इस पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पैक कर दिया। अब इसको हम पावर देंगे और ये मेरा इंडक्शन ऑन हो गया है, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, ऑन हो गया। अब मेन सॉरी फ्यूज को लगा देते हैं ताकि सीरीज हट जाए, और पानी गर्म करके देखते हैं। टेम्परेचर 2000 पे सेट कर दिया मैंने, आप ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं धुआं धीरे धीरे निकलने लगा, पानी की उबाल होने लगी, इसका मतलब मेरा ये इंडक्शन कुकर ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया है, अच्छा हो गया। तो यही है वीडियो था दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना कर भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।